लोग की उगा करके टमाटर उगा करके छोटी सी गाड़ी में रख करके उसने दस पंद्रह बीस ग्राहक बनाए थे तो उसने उतना भी चलाया फिर वो भी कहता था अच्छा जी घाटे में तो हूं नहीं मैं पर मैं इसके लिए बता रहा हूँ उतना सफल उस रूप में नहीं हो पाया इंजीनियर था बाद में बोला मेरे को मैं अभी अपनी इंजीनियरिंग में लग जाता हूँ तो अभी शिप का इंजीनियर है बड़े जहाजों का तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप छोटे से प्रयास से कहीं से भी कहीं से भी आजकल लोग जैसे आपने कहा ना हर कोई सशंकित है भयभीत है आज सबसे ज्यादा भय किसी को है तो वह है, है केमिकल वाला मिलावट अन्य से आपके गांव के ही लोग कई सारे शहरों में हैं, उनको फोन करो बोले भाई तूने गांव छोड़ दिया हम पर तेरे को शुद्ध अन्न देंगे ले हमसे आपके ऊपर तो विश्वास करता है आपको कितना चाहिए आते देखो एक घर के लिए लगभग लगभग कितना भी साधारण सा घर हो तो दो तीन हजार का सामान तो लगता ही लगता है महीने में आटा दाल चावल जो है तीन हजार एक घर में लगता है आप यदि मान लीजिए एक हजार भी घर पकड़ लिया आपने कितना हो गया जी तीस लाख रुपए हो गया और साल का हो गया तीन करोड़ रुपया तीन करोड़ में से कुछ भी नहीं तो थर्टी परसेंट बचेगा एक करोड़पति तो ऐसे ही बन गया आप मोटा मोटा सा है हिसाब लगा लो बन करोड़पति तो लगना तो पड़ेगा जो रूटीन के प्रैक्टिस हैं जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या वैल्यू एड कर सकते हैं आइडियाज लगानी पड़ेंगे ऐसे नहीं होगा जैसे चल रहा है मैं तो ऐसा ही करूंगा नहीं करते समय यह ध्यान रखिए यह भी नहीं आग्रह कि मैं जैविक हो उगा लो जैविक परंतु हिसाब के साथ उगाओ कैलकुलेशन करो कि मैं इसको उगाऊंगा इतना पैदा होगा मेरा इतना खर्चा होगा मैं इतना बेच पाऊंगा इसमें से इतना मेरी कमाई होगी अब कैलकुलेशन करिए रखा है आप हिसाब लगाइए एकदम बिंदास कई किसान बोले नहीं ठीक है ठीक है चलो कर लेते हैं ऐसे नहीं आंख मूंद करके मत करिए तो आप सत प्रतिशत सफल होंगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और सच में आप लोग बहुत सारे भाई बहन बहुत सारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं पर आपका जो सामर्थ्य है इससे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे पद्मश्री भाई जुड़े हुए हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं एक तो हमारे मध्य में आई रखे हैं और दूसरी बात जो जो गो आधारित कृषि के लिए भी दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ गायों के लिए इस ये भी इस देश का दुर्भाग्य है हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में लगभग 112-13 प्रकार की गाय की प्रजातियां थी कितनी 100 से ज्यादा 12 12-13 प्रजातियां थी और आज कितनी प्रजातियां बची हैं आपको पता है लगभग 40-42 प्रजातियां बची हैं यानी लगभग लगभग दुगुनी प्रजाति खत्म हो गई ये कैसे खत्म हो गई इसका कारण यदि आप जानना चाहते हो तो सबसे बड़ा कारण क्या है हमारे यहां जो बैठे ना अपना बड़े बड़े जाकर के एसीओ में दिल्ली में बैठे हुए आपको पता है एक चीज और दिल्ली में कुत्ता पालना अलावा है घरों में गाय पालना मना है पता है आपको पेतरिया पता है तो ये तो इस देश की हालत है आप गाय नहीं पाल सकते वहां आप कुकुर रख सकते हैं चाहे पचास पाल लो तो ये हालत है इस देश की तो जो नीति बनाने वाले लोगों ने क्या किया उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्धिशाली बनानी है नकलची बंदर बन गए ना हमको तो वो दास्ता के जो गुलामियत के जो भाव है ना अंदर वो इतना हमारा भरा हुआ है ना हम उन्हीं को नकल करना चाहते हैं। वो हमारे लिए आदर्श होते हैं क्या करो बोले अब जर्सी गाय लियाजन ले, ले आओ ला दिया गांव गांव में गाय पहुंच गई अच्छा शुरू शुरू में लगा बोले नॉर्मल गाय तो दस किलो दूध देती बोले ये तो पचास किलो देगी चालीस किलो देगी ले आए बड़े बड़े थन बड़े बड़े बांक और बड़े बड़े दूध थोड़े थोड़े दिन में तो न तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से देखो अब मैं आपके हिसाब बताता हूं एक जर्सी और होस्टन फ्रिजन गाय पालो घर में और चार देसी पालो चार देसी से तुम 40 किलो दूध पाओगे एक हॉस्टल फ्रिजन से तुम 25-30 किलो भी दूध पा भी गए खर्चा चार गायों का खर्चा कम है उसका एक का ज्यादा है और एक बीमार हो गई एक का थन खराब हो गया एक मर गई तो किसान तो गया काम से और एक गाय का हमारे तीन चार में से एक दिन एक गाय बिगड़ भी गई तो तीन तो बच गई आपकी एक बार जब ये हमको क्या हुआ सब जगह गायों को घुसा दिया जर्सी गाय और वो गाय भी देसी जैसी हो गई बाद में दो तीन पीढ़ी में आते आते पहले तो ले पहली बात में तो ज्यादा दिखाई दिया दूसरी तीसरी उसकी बच्चे बच्चे हो गए उससे दूसरी हानि क्या हो गई सारे हमारे जो बछड़े थे वो खराब हो गए सारी जो गाय दूसरी ब्रीड थी उसी का इंजेक्शन ले आए ठोक दिया देसी गायों में भी सब जर्सी गाय का जो है सीमेंट ठोक दिया बर्बाद हो गई सारी हमारी गाय की प्रजातियां थी नाश कर दिया आज लोग शुद्ध ब्रेड ढूंढते हैं फिर क्या हुआ फिर हुआ डेनमार्क की कहानी सुनने लगे लोग दस पंद्रह साल पहले की कहानी है ना कि बोले वहां गिर गाय तो बोले चालीस चालीस साठ साठ किलो दूध दे रही है आपको पता है डेनमार्क में हमारी जो गाय कैसे पहुंच गई गी? गिर गाय अंग्रेज लोग थोड़ी सी कहानी मुझे याद है पर पड़ते नहीं पर वो गाय दूध के लिए नहीं गई थी वो वो मांस खाने के लिए यहां से गाय गई थी पता नहीं कौन से देश में ले जा रहे थे कुछ गाय बच गई बच गई तो छोड़ दिया छोड़ दिया तो उनको ये समझ में आया कि ये तो दूसरी चीज की लिए। उन्होंने उसको इतना परिष्कृत कर दिया कि आज प्योर गिर जो है चाहिए तो लोग कहते हैं वहां मिटती है डेनमार्क में अरे दुर्भाग्य है इस देश की नस्ल है राजस्थान गुजरात की नस्ल है गिर गिर गिरनार है ना उसके क्षेत्र के नाम पर ही गिर है वो लंबे लंबे जो कान वाली और मोटे सिंगों वाली तो हमारे यहां अब फिर लोगों को शौक चढ़ा बोले अब गिर गाय पालो अब जर्सी और वो भूल गए क्योंकि हमको जो वो सिखाते हैं हमको इतनी बुद्धि नहीं थी पहले तो इसी तरह से देखो दूध की वैरायटी में यदि गाय की बात करते हैं थार पारकर गिर साहेवाल राठी और आपका रेड सिंधी और ये ये जो पांच छह प्रजातियां और भी होंगी ये दूध वाली वैरायटीज़ आप अपने कांक्रेज भी दे देती है दूध थोड़ा सा कम देती है तो जो दूध देने वाली प्रजाति है आपके क्षेत्र के हिसाब से जो अनुकूल है आप पालिए ना उसको शुद्ध उसमें ले जाइए तो खूब दूध दे सकती है और अब ठीक है बछड़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है तो एक काम उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया था आज से दस पंद्रह साल पहले तो अब सरकार को फिर उसके लिए हमने टाइम पर प्रेरित किया था तो अब लगभग हर स्टेट में सेलेक्टिव सीमेंट अभी मिल जाता है आपके पास गीर है आपके पास साहिबाल है आप प्योर साहिबाल को नंदी से न करा करके हालांकि लगभग उसमें नॉर्मल जब जो गाभिन कराई जाती गाय को तो लगभग सेवेंटी प्रतिशत लगभग गाय ठहर जाती है और जब उससे करते हैं सेलेक्टिव सीमन से तो लगभग ठहरती है पचास से थोड़ी कम हो जाती है ठीक से करें तो पचास के लगभग ठहर जाती है और कई बार दोबारा में करने पर ठहर जाती है तो इसलिए पचपन तक पहुंच जाता है तो ठीक है आप उसको चलो बछड़े कम पैदा हो क्योंकि हम गाय को गौ सेवा को कोई व्यापारिक को उद्योग की तरह तो चला ही नहीं सकते कि चलो बूढ़ी गाय भी काटने के लिए दे दी बछड़े भी कटवा दिए तो आप कम से कम बछड़े कम हो, पैदा हो बछड़ियाँ पैदा करिए और अच्छे सीमन के साथ में उन्नत पैदा करिए इतना तो आपको कर लेना चाहिए उसकी जैसे हमारे पास ही है हम लोग अभी मैंने इस काम को शुरू कराया हमारे पास तीन तो बछड़े हैं अभी भी परंतु हम उसको नहीं आप आप चाहिए तो आपको दे सकता हो पर हम उसको पाल ही रहे हैं क्यों क्योंकि हम दे नहीं सकते ना हमको पता है कि कोई कोई आता है किसान भी हम फ्री में देते हैं परंतु तो हम लिखवा करके ले लेते हैं कि पता चले कि ये सच में ही खेती बाड़ी के लिए ले जा रहा है नहीं तो हमारे यहाँ तो चारा खा रहे हैं पल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि गायों के लिए क्या क्या कर सकते हैं बछड़ों के लिए मैंने सोचा ये तो बछड़े तो फ्री के हमारे वो है कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों से क्या क्या काम लिया जाए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मैंने बिजली बनाने वाला भी लगाया बिजली भी पैदा करी फिर उसका कैलकुलेशन करा मैंने कहा चारा खा जाएगा सौ दो सौ रुपये का बिजली भी लगभग तीन चार सौ की पैदा हो पाती है फिर मैंने उसको करा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे करते करते मैं आपको एक जानकारी जरूर बताना चाहता हूं अभी ये आप सबको पता होना चाहिए और इस चीज को आप प्रचारित कर सकते हैं नॉर्मली जो तेल है ना तेल तेल जो सीधे तौर पर जो बीज में से निकालते हैं चाहे वो है चाहे वो सरसों है चाहे वह मूंगफली है चाहे वो दक्षिण भारत में नारियल है और क्या रहेगा जी सूरजमुखी है अलसी है सूरजमुखी ये जो तेल निकालते हैं ना ये सीधा निकला हुआ तेल का ही प्रयोग करो आप लोग और इसका प्रचारित करो और मैं आज एक बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूं हमारा एक रिसर्च पेपर फूड केमिस्ट्री है ना उसका नाम जो रिसर्च जर्नल उसमें छपा है बहुत बड़ा रिसर्च जर्नल है हमने क्या पाया जो पहले कोलू में तेल निकाला जाता था ना कोलू का तेल क्योंकि ज्यादा आयु वाले हैं उनको तो पता है बाबा जी जैसे बैठे हैं नीचे का जो होता था लकड़ा किसका होता था लकड़ी किस चीज की होती थी नीचे वाली महुआ की लकड़ी होती थी या फिर नीचे की लकड़ी होती थी नीम की लकड़ी नीम महुआ ऐसे दो तीन लकड़ी सेलेक्टिव लकड़े थे पूरे देश के अंदर जैसे मध्य प्रदेश साइड में तो महुआ इधर साइड में राजस्थान में नीम की लकड़ी नीचे की लकड़ी होती थी नीम की और ऊपर की लकड़ी होती थी इमली की या फिर कहीं कहीं पर इसकी भी लगा लेते थे किकर की लकड़ी भी होती थी पर ज्यादातर उसकी होती थी आ, तो ये सेलेक्टिव पहले पता होता था कि किसका ऊपर बनाना है किसका नीचे करना है उसमें से यदि तेल निकाला जाए मैंने प्रयोग किया बहुत सारे बैलों को इसी काम के लिए लगाया मैंने मेरे पास अभी भी आप गौशाला में देखेंगे पतंजलि के पास में तो वहां पर भी अभी मैंने आठ दस कोलू लगा रखे हैं वो कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। पर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उस कोलू में से हमने तेल निकाला तो एक ऐसा जो कंपाउंड है जो कैंसर को ठीक करता है वो तत्व इस तेल में पाया गया और जो नॉर्मल तेल है जो वैसे कच्ची घानी में निकालो कैसे भी निकालो लोहे वगैरह का जो घर्षण से तो गर्मी तो होती ही है उसमें तो गर्म होता नहीं वो उसमें वो तत्व पाया नहीं गया यानी कि जो पहले तेल खाया जाता था वह कैंसर को रोकने में कैंसर को न होने देने में कैंसर को ठीक करने में मदद करता था अब जो तेल खाया जाता है जो रिफाइंड तेल होता है ना वो तो जबरदस्त टेम्परेचर के अंदर में एक्स्ट्रक्ट किया जाता है वो तो बीमारी पैदा करता है तो इसीलिए हमको इस बात को भी प्रचारित करिए और छोटे छोटे इस तरह का यदि कोलू कच्ची घानी बैल है घर में लगाओ तेल हालांकि कॉस्ट ज्यादा पड़ता है दे देंगे ना लोग लोगों के पास आज ठीक है साधन बढ़ रहा है लोगों को विश्वास हो जाए कि ये इसमें से हमको लाभ मिलेगा तो ले लेंगे तो ये सब हमको करने की आवश्यकता है तो आप सब इस तरह से जितनी चीजों को आप बढ़ा सकते हैं कर सकते हैं इनको करने का प्रयास करिए दूसरी चीज मैं अभी ये चाहता हूं आप सब लोगों से क्योंकि अभी यदि हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की तो जैसे कहीं कहीं जगह पर पूरे देश के अंदर आजकल एक परंपरा सी बनी है की प्रदर्शनियां लगती हैं किसानों की उत्पाद की प्रदर्शनियां लगती हैं मेले लगते हैं और कई कई जगह पर लाइव डेमोस्ट्रेशन भी शुरू हुआ है जैसे मैं इस बार गया था तो अपना महाराष्ट्र में ही आ, बारामती में बारामती का, का काफ़ी बड़ा मेला लगता है उसमें जो आ, साल भर की तैयारी होती है एक महीने के लिए मेला तो तीन चार दिन चलता है उसमें कई लाख किसान आते हैं और फिर वो लाइव डेमोस्ट्रेशन होता है कि उन्नत बीज का कैसे पैदा होता है ऐसे कहीं कहीं पर शुरू हुआ है कई कई सारे भाई बहनों भाई का आपको पता भी होगा पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है अब ये आप लोग चाहो हाँ जी पवन जी हाँ तो अब क्या है मेरे दिमाग में एक बात आ रही है अभी आप लोगों से मैं देख रहा था लगभग सात आठ प्रांत के तो लोग आप यहाँ पर ही हैं भाई लोग क्या करते हैं वहां पर जितने भी जो लाइव डेमोस्ट्रेशन फार्म होता है ना लाइव डेमो वाले फार्म ज्यादा कंपनियां वाले करते हैं कि ये मेरी बीज मेरे बीज के लिए करेंगे मेरे ये ये बिकेगा मेरा ये सामान बिकेगा किसानों को देखने में अच्छा लगता है पर उनके पीछे उनकी मानसिकता होती है अपने सामान को बेचने की तो अभी हम ऋषिकेश से ऊपर हालांकि वो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं आगे लाइव डेमो देने के लिए तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है ये सलाह भी मैं आपसे ले रहा हूं और ये प्रवचन की बात नहीं है क्योंकि हम चाहते जुड़े रहें हम वहां कुछ कुछ एरिया निर्धारित करें और प्रांत वाइज कर दें ये हरियाणा वालों का फार्म ये यूपी वालों का ये राजस्थान वालों का ये एमपी वालों का तो आप में से जितने लोग लोगों की टीम है भाई वहां पर इतनी तो हम व्यवस्था कर देंगे उसको बहुत बड़ा एरिया नहीं छोटा छोटा मान लीजिए पहाड़ में तो वैसे भी जमीन कम है कि वहां के हिसाब से कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं और हम मेला जो है महसाल में एक महीना मेला चला दें तो पूरी दुनिया तो जैसे मान लो आपका क्या हो जैसे भाई मिनी इजराइल तुम पहाड़ पे बना दे भाई तो उसको इस तरह से हम उसको करें और इसमें भी सिलेक्शन करने के लिए भी आपको छूट होगी तो मैं ये चाहता हूं कि पहाड़ों का प्लान भी खत्म हो देश के किसान आकर के लाइव देख सके और एक हम चाहे तो हरिद्वार में भी बना देंगे ये हम कर सकते हैं इतना तो क्योंकि जगह हम दे देंगे आपको साधन भी हम कर देंगे और उसमें ठीक है थोड़ा बहुत जितने तो जो भाई बहन जो लगेंगे तो उसका खर्चे का भी कुछ हम देखें इतना तो तुम उगाई लोगे हमको कमा करके कमाई नहीं चाहिए आपसे मैं ये, मैं बता दूं या तो फिर मुझसे आप जमीन फ्री में ले लो भाई कमाई हो जाए तो तुम ले जाइयो परंतु तो मेरे को लाइव डेमो चाहिए उसके अंदर जो है ना छोटे छोटे जमीन के अंदर में हम चाहते कि हम देश के लोगों को हम यही बुलाए कि लोग आकर देखो एक जगह कम से कम कि फसल को कैसे उगाया जा सकता है उन्नत बीज कैसे हो सकती है खेती को भी जो है आय के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है क्योंकि देखने से जो है ना लोगों में ज्यादा रुचि बनती है उत्साह बनता है या फिर लोगों को मन में लगता है कि अच्छा ये हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ तो ये भी मेरे मन में बात थी मैंने आपसे निवेदन कर दिया यदि आप चाहेंगे जैसे आप लोगों ने एक इतिहास को रचा है कि योगाहार सच में आहार को शास्त्रों में अन्नम वही औषधि कहा है प्राण कहा है आहार प्राण है आहार औषधि है और आयुर्वेद में तो इतना तक कहा कि जब ऋषि किसी को समझा रहे थे रोगियों को बैठे हुए थे उन्हें कोई कहा कोई गया आलसी होते ना आजकल कि भाई जी मैं तो परहेज नहीं करूंगा दवाई खाऊंगा तो ऋषियों ने कहा आयुर्वेद के ऋषि ने कहा पथ्य सती गदार्थ किम औषध अप्य सती गदार्थ से क्यों औषधेवन है ऋषि कहते हैं यदि तुम परहेज करने के लिए तैयार है आहार को ठीक करने के लिए परहेज का मतलब होता आहार को ठीक करना परहेज नाम और किसी चीज का नहीं है लोग सोचते हैं परहेज का मतलब तो बोले खाना बंद कर अरे खाना बंद नहीं करना भाई तेरे शरीर के हिसाब से जो जरूरी है उसको लेना उसको पथ्य कहा गया कहा कि तुम पथ्य करोगे तो तुम्हें औषधि की जरूरत नहीं है और कहा तुम पत्थे नहीं करोगे तो भी बोले औषधि की जरूरत नहीं है बोले ये क्या बात हुई बोले कि पत्थे करेगा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा और पत्थे नहीं करेगा तो कुछ भी खा ले तो भी ठीक नहीं होगा तो इसलिए आहार की जो शुचिता है आहार की जो पवित्रता है देखिए ईल्ड बढ़ाने से आलू इतने होते थे इतने बड़े तो हो गए गेहूं थोड़ी बालियां लगती थी ज्यादा लगने लगी उसे पेट भरने का काम तो हो गया अंदर जाकर के पर जो औषधीय गुण और तत्व थे वो खत्म हो गए शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं थी वो खत्म हो गई इसलिए तो आज पहले लोग रूखा सूखा खा करके भी हट्टे कट्टे रहते थे आज देह माल दे। आप लोग गांव की पृष्ठभूमि से पहले गांव में हमको तो याद है बचपन में हम याद सोचते थे कि कोई त्योहार पर्व चाड़ा तो पकवान बढ़िया चीज खाने को मिले कोई त्यौहार आए तो कपड़े पहनने को मिले उस उन उन स्थितियों की आकर्षा आज हर रोज आदमी पकोड़े तल के खा रहा हर रोज गोलगप्पे खा रहा हर रोज रसमलाई मार रहा हर रोज खीर खा रहा है हर रोज हलवा पूरी खा रहा तो वो नहीं मरेगा तो कौन मरेगा फिर भाई और करना कुछ नहीं तो शारीरिक श्रम खत्म हो गया और माल पेलने का काम चार गुना हो गया यानी पहले चार गुना परिश्रम एक गुना खाना था अब खाना चार गुना हो गया परिश्रम एक गुना भी नहीं रहा खा लिया कोई बात नहीं अब अब सुबह सुबह योग कराएंगे दंड बैठक लगाऊंगा आपको तो उससे ठीक होगा तो ये ये इस चीज को हमको समझना होगा इस संदेश को अब मैं आपको कहते तो विदेशों में बहुत सारे उन्नत देश हैं वहां भी बहुत लोग पैदल चलते हैं बहुत कंट्री में साइकिल से चलते हैं हमारे यहां इतने क्योंकि वो जो सोशेबाजी करने की परंपरा है ना आजकल दिखावटी पाना बहुत ज्यादा हो गया कि आदमी लघुशंका के लिए भी गाड़ी लेके जा रहा है हाँ उसको दिखाई दे बोले पड़ोसी को तो दिख जाए हाँ इसके पास कार है पर दिखाने की क्या जरूरत है तो ये परंपरा को कम से कम अपने परिवारों में अपने घरों में बच्चों को आप संस्कारित करिए उनको बताइए कि बेटा साधन जीवन निर्वहन के लिए है और तप और पुरुषार्थ अपने जीवन के लिए है तो निर्वहन के साधन इनडायरेक्ट है और परिश्रम और तप डायरेक्ट है तो डायरेक्ट जो चीज हमको चाहिए उसके लिए हमको इनडायरेक्ट चीजों पर निर्भर नहीं रहना है तो ये सिखाइए इस संदेश के साथ में इस चीज को आगे बढ़ाइए मैंने बताया आपको और यहां से हम लोगों ने जैसे आपने कहा कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए क्या क्या हो सकती है चाहे सॉइल टेस्टिंग मशीन हो धरती का डॉक्टर जैसे छोटे छोटे आप किसान भी है तो सॉइल टेस्टिंग किट का भी इन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिया होगा उसको हम लोगों ने पूरा यही लक्ष्य था और आप लोगों के लिए खुश खबर यह है कि उसका पेटेंट भी कल ही आया है हमारे पास पेटेंट डाला हुआ था क्योंकि वो सब पतंजलि के उत्पाद उ, उ, उपज है हाँ उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आज आप मृदा परीक्षण कराने के लिए जाते हैं तो आपको पांच पैरामीटर्स भी कराते हैं छह भी हैं। मैं मुख्य मुख्य पांच ही होती हैं तो पांच कराते हैं तो दो सौ तीन सौ रुपया तो लैब वाले लेते हैं और वो रिपोर्ट भी गलत सलत देते हैं मैं सच बता रहा हूं नाइन्टी रिपोर्ट फर्जी है वो सब नाइन्टी मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं जब आप अपने सॉइल टेस्टिंग किट ले लो 99 प्रतिशत जो बड़े बड़े लैब बने हुए ना उसकी एक्यूरेसी है उतना और खर्चा कितना आता है लगभग कितना आ रहा है पच्चीस रुपए तीस रुपया पच्चीस तीस रुपया में आप अपने आप घर पे करो मिट्टी उठाओ अपनी खेत की अपनी जाँच करो देखो अपने ठीक करो और इतना ही नहीं आप पड़ोसी का भी कर सकते हैं देर धीरे धीरे शुरू करो जितने भी लोग आ जाए तो वो हमने काम किया है उतना ही खर्चा आता है क्योंकि शुरू वाले में तीस रुपए इसलिए आता है क्योंकि वो उसमें जो उसके छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट हैं टूल हैं उसका खर्चा आता है बाद में तो सिर्फ रिएजेंट कोई केमिकल तो ही लगना बाकी तो वही काम करेंगे सीसी -सी बोतल तो आपको और चाहिए नहीं तो वो उससे हमने सिर्फ लागत मात्र की दृष्टि से उसको बनाया है उसमें कोई बहुत प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से नहीं है एक हमने और मशीन भी बनाई है यदि कोई बड़ा उसमें ही क्षेत्र में भी व्यापार की तरह भी करना चाहे तो अभी जो एक बड़ा लैब बनाने के लिए लगभग लगभग चार पाँच करोड़ रुपया खर्च आता है और दुर्भाग्य से जितने भी लैब बने हुए हिंदुस्तान में लगभग बंद पड़े हुए हैं और जो उनकी दुर्दशा है जो थोड़े से सरकारी सिस्टम से जो आप लोग जुड़े हैं आपको पता है तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया काम करने के बाद में हमने एक मशीन बनाई उसके अंदर हम पूरे बारह पैरामीटर्स करते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो दसवीं बारहवीं पढ़ा हुआ बच्चा भी वो दो दिन में सीख सकता है कहीं भी ले जाके कोने में रख लो इतने जो ये पोडियम है इससे भी छोटा है इतने इतनी मशीन है वो तो कहीं लगा करके बैठ सकते हैं आप हालांकि वो थोड़ी कॉस्टली पड़ गई है हमको तो लगभग वो दस से एक लाख रुपए की है तो उसमें यदि आप लोग कुछ करना चाहोगे तो जो भी होगा छूटा हम और भी कर देंगे तो एक बड़ी मशीन हो गई इसी तरह से सॉइल टेस्टिंग किट तो आप रख सकते हैं क्योंकि वो चार पांच हजार रुपए की कितनी हाँ छह हजार रुपए की तो छह हजार में भी एक समस्या उसमें थी पहले वो कलर रीडर जो होता है उसके अंदर वो पहले तो क्या था कि लोग एक हजार तो डिस्काउंट कर देना ना क्यों इलेवन से ले जाना पाँच में ले जाना ठीक आपको चाहिए तो ले जाने तो कर लेना और बाद में लोगे तो बोल देना हम योगा हर में आए थे या जुड़े हुए को कर देने का हजार डिस्काउंट कर दिए भैया हमारी तरफ से हाँ जो बचता होगा तो हो गया ना कोई क्या, क्या बचाना है उसमें ठीक है अब हम थोड़ी हिसाब खाना पाना तो ठीक खिला रहे हैं ना आपको हमको हिसाब किताब थोड़े लगाते हैं सब जगह जी तो ये तो कई कई हजार को तो ए सी डेली अभी यहाँ आपको तो पे चल रहा होगा लाइट तेज लाइट नहीं जनरेटर भी चलता है हाँ वो लाखों का फूके चाहे है या नहीं कि लाइट गई तो आपको चौबीस घंटा लाइट मिली रहेगी वो जनरेटर चलाते हैं जब लाइट जाती है तो तो सब व्यवस्थाएँ ठीक है तो उसको एक तो आप लोग बताए मैंने मशीन की बात बताई इसी तरह से हम लोग अलग अलग तरह की जो ट्रेनिंग है वो भी हम कराते रहते हैं और अभी हम भारत सरकार के लिए भी बहुत सारे तरह के काम में मदद कर रहे हैं कि उनकी भी आँखें खुल जाएँ तो हमको ये दिखाई दिया कि इंडिविजुअल लेवल पर एक लेवल तक काम हो सकता है आप जैसे आप लोग जैसे जागरूक भाई बहनों को तो जोड़ सकते हैं पर सबको जोड़ने के लिए तो किसानी से संबंधित बाकी जो अलग अलग तरह के जो गतिविधियां हैं उसमें भी, भी हम मदद कर रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने ये सब कार्य को 2010-11 से क्योंकि उससे पहले पहले अषोधेश स्वामी जी ने दो पाँच छः में एक संकल्पना थी समृद्ध ग्राम के लिए आदर्श ग्राम के लिए एक हम लोगों ने स्वरूप बनाया था वो आदर्श गांव का मॉडल भी हमने बनाया था हमने काफ़ी उसके ऊपर खर्च भी किया था पर हमको दिखाई दिया कि हम इंडिविजुअल लेवल पर शायद इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार का पैसा तो बहुत खर्चा हो रहा पर काम कुछ हो नहीं रहा है तो फिर हमने काम करते 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 आज जो ट्रेनिंग वाला जो मॉडल है या अलग अलग तरह से जैसे भी आप लोगों ने जो भी जिस तरह से भी आप सब सीख रहे हैं वो करके आज हम कम से कम इस बात को कहने के लिए सच माने तो पूरे देश के अंदर ग्राउंड लेवल पर यदि जैविक कृषि को लेकर के प्राकृतिक खेती को लेकर के जितने भी जो उन्नत किसान या किसानी का जो काम आप सब कर रहे हैं उसमें बड़ा योगदान पतंजलि योग पीठ का है ये कहते हुए हमें प्रसन्नता है पुरुषार्थ तो, तो आपका है हमने तो प्रेरणा ही दी है परंतु तो पुरुषार्थ के लिए भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है और हमारी जो माता बहनें लगी हैं आदर्श ग्राम बनाने के लिए उनके लिए भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं बढ़िया ग्राम बना लो इनको तो सॉइल टेस्टिंग किट हमारी तरफ से गिफ्ट दे देना दे भाई जो आदर्श ग्राम बनाने वाली ठीक है और दो हज़ार रिएजेंट भी फोर्ट में दे देना दे दे साथ में कहेंगे जो पचास वाली तो खत्म हो जाएगा तो कितना हज़ार का और आता है ना तो डेढ़ दो हज़ार सैम्पल का ले जाना बहनों उठा करके कोई बात नहीं तो कम से कम काम करो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब लोग जुटिए आप सब परिवार के पतंजलि के आप अभिन्न अंग हैं हम ऐसा ही मानते हैं चाहे हम आपसे रूबरू -रु वन टू वन मिल पाएं नहीं मिल पाए आप जहाँ भी हैं जो भी कर रहे हैं समझ लेना कि सब पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सर पर है पितरों का आशीर्वाद आपके सर पर है हमारे ऋषियों ने हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया हमने जो पाया हम उसकी रक्षा कर रहे हैं उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लगे हैं इससे बड़े गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती है आप सिर्फ खेती नहीं करते हैं आप लोगों के जीवन की रक्षा भी करते हैं लोगों के जीवन को भी आप बचाने का काम कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़िए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे भी गतिविधियों के लिए मैं जो उसमें तो आप ऐप में तो सबका एड्रेस नंबर मोबाइल वगैरह ही है बाकी इस तरह की जितने भी गतिविधियां काम वगैरह भी होंगे हम आप लोगों को जोड़ करके भी रखेंगे बस इतना कहता हूँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद